हे गाइस, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और एक न्यू वीडियो में वापस आप सबका स्वागत है। हालांकि काफ़ी गैप हो गया और करीब एक महीने से ऊपर हो चुका है और इस चैनल पे एक भी वीडियो मैंने नहीं डाला है। उसके पीछे एक रीज़न है, मेरे फेस पे देख रहे होंगे कुछ दाग धब्बे और एक हादसा भी हो गया था मेरे साथ। खैर, उसके जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं शिरडी आया हुआ हूँ बाबा के दर्शन के लिए और मैंने सोचा क्यों नहीं ये शिरडी पूरा आप सबको दिखाया जाए, घुमाया जाए और साथ में इसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। पीछे आप देख रहे हो शिरडी के जो साईं बाबा है इन्हीं के संस्थान की तरफ से चलाई जाती है, हॉस्टल बोल सकते हो, लॉज बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, फ्रेश होकर फिर बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सिटी को लेकर। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे आए। हालांकि इससे पहले मैं पीछे जाना चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट सिटी कैसे पहुँच गया हूँ, इसकी पूरा स्टोरी मैं दिखाऊँगा आपको और किस तरीके से मैंने सफ़र किया है, मेरा जर्नी कैसा रहा, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। तो गाइज, अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं ऑटो लेकर अभी पहुंचूंगा बस स्टॉप, क्योंकि हमने टिकट बस का किया है शिरडी जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें जोगेश्वरी ईस्ट पहुंचना है, उसके लिए हमने ऑटो का सहारा लिया और यहां से कुछ 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फटाफट कवर करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हम अंधेरी का जो फ्लाईओवर है ईस्ट में जाने के लिए, उसे यूज करके मैं ईस्ट में जा रहा हूँ बस स्टॉप के पास। और ये रहा हमारा बस स्टॉप, यहाँ से हमें सिटी के लिए बस मिल जाएगी, हालांकि हमारा टिकट बुक है। और ये देखिए जो बस है, हमारी बस आ चुकी है। हमने स्लीपर सीट बुक किया था ताकि हम आराम से सोकर जा सकें। और इस बस में जो है वो दोनों साइड में सीट है, एक साइड में सिंगल और दूसरे साइड में डबल, ये हमारा सीट रहा। तो गाइस, हमारा जो नाइट का सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी नाइट जर्नी अब इन्जॉय करते हैं। हालांकि मैं रात में ज़्यादा करके स्लीपिंग मोड में ही जाने वाला हूं, इसीलिए हमने रात का सफ़र चुना है। एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस बस का जो किराया है, जो टिकट का फेयर है, वो 500 रुपये हमने पे किया है। और अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं, ये जो आप सारे बसेस देख रहे हैं इस स्टॉपेज पर रुका है, इस रूट से गुजरने वाली जितने भी बसेज होती है ज़्यादा करके यहाँ पर रुकती है। यहाँ पर एक होटल भी है, आप देख सकते हो सामने, लोग यहाँ पे फ्रेश होने के लिए थोड़ा से ब्रेक लेते हैं ताकि काफ़ी कुछ 150 किलोमीटर सफ़र कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया गया है ताकि लोग डिनर वगैरह कर सके। ये रहा हमारा बस और चलिए मैं आपको अंदर से वापस से दिखाता हूँ आपको कि जो लोग हैं वो किस तरीके से बाहर गए हुए हैं फ्रेश होने के लिए। अभी बस बिल्कुल खाली है, ये कुछ देख सकते हो आप जो सवारी हैं वो अंदर आने शुरू हो गए हैं और ये आंटी जी जो हैं वो ऊपर जाने के लिए थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको ऊपर चढ़ने देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है अभी बस का, देख सकते हो आप। और ये जो ऊपर लाइटिंग दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में जिसका जो सीट होता है वो इंडिकेट करता है। तो गाइस, अभी मॉर्निंग के कुछ 5 बज रहे हैं और हमें बस जो है वो सिरडी छोड़ चुका है, यानी हमारी बस सिरडी पहुंच चुकी है। सबसे पहले हमने शौचालय ढूंढा क्योंकि हमें शौचालय जानी थी, तो ये शौचालय रही। यहाँ पे हमने शौचालय के लिए कुछ 50 रुपये पे किए हैं, काफ़ी कम रेट में हमें शौचालय मिल गए हैं। इसमें हमें 2 चीज़ें हो गई, एक तो नहाने की और दूसरा फ्रेश होने की। यहाँ से फटाफट हम फ्रेश होकर बाबा के दर्शन के लिए बाहर निकल चुके हैं। और ये देख सकते हो अभी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक पूरा उजाला नहीं हुआ है और कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिल रहा है। ये सिरडी की जो मंदिर है उसके ठीक पास की जो गलियाँ है वहाँ का नज़ारा आप देख रहे हो। आगे हम लोग जा रहे हैं, मुझे बैग जो है वो लगेज काउंटर पे जमा करना है और जो हमारे पास में मोबाइल है उसे भी जमा करना है। तो ये सामने आप देख सकते हो जो मोबाइल का
काउंटर है वो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कर सकते हो। तो मैं यहीं पे मोबाइल अपना जमा कर दिया हूँ और आगे जो है ये बैग वगैरह या शूज वगैरह जो है वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो, इसके लिए कोई भी शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अभी मैं बाबा का दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और मुझे काफ़ी कम टाइम लगे, एक घंटे में मैंने बाबा का दर्शन करके बाहर आ गया। हालांकि मैं 31 दिसंबर को जब आता था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, या जब भी आप फेस्टिवल में आओगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और उस टाइम पे आपको 4 से 5 घंटे टाइम लग जाते हैं, और अभी का टाइम जो है वो बिल्कुल शांत सा माहौल है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। अभी मैं आ चुका हूँ बैक साइड में, देख सकते हो आप LED पे जो है वो अंदर साईं वाले बाबा को किस तरीके से आरती किया जा रहा है, किस तरीके से पूजा की जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको बाहर देखने को मिलेगा। और ठीक इसके सामने आप देख सकते हो आई लव शिरडी, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन चुका है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यादगार के लिए यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। जिस तरीके से हर मंदिर के आसपास मार्केट होती है, ठीक यहाँ पे भी आपको मार्केट देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे होटल भी आपको आसपास देखने को मिलेगा। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो मंदिर के अंदर जो है वो एक नीम का पेड़ दिखाई दे रहा होगा। इस नीम के पेड़ की एक अलग ही कहानी है, ऐसा मान्यता है कि इस नीम के जो पत्ते हैं वो कड़वे नहीं होते हैं, ये नीम के पत्ते मीठे होते हैं। इस पे जो साईं बाबा हैं उनकी कृपा है, और ऐसा मान्यता है कि साईं बाबा काफ़ी टाइम तक नीम के पेड़ के नीचे भी रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गलियाँ देख रहे हैं मंदिर के ठीक पीछे का साइड का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो है वो मंदिर की दीवारें हैं, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, जो साईं बाबा का मंदिर है उसकी दीवारें हैं। और आगे चलता हूँ क्योंकि आगे और भी मंदिरें हैं, वहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और कौन कौन सी मंदिरें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही सारी मार्केट। और अभी जो आप सामने देख रहे हो ये है द्वारका माई मंदिर। इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि साईं बाबा यहाँ पे 60 वर्षों तक निवास किए थे, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो साईं बाबा का निवास स्थल। दर्शक यहाँ पे भी आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं, हालांकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा सकता। ठीक इसके पास में श्री चौड़ी है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे साईं बाबा जब जुलूस के साथ आते थे तो इसी जगह पे रुकते थे। ठीक इसके पास में आपको श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ भी जाएं और हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करें। हनुमान जी का दर्शन करना ऐसा माना जाता है कि आपने पूरी सीढ़ी को घूम लिया है, तो हनुमान जी का दर्शन करके फिर आगे बढ़। एक और चीज़ मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि यहाँ पे साईं बाबा संस्थान के द्वारा प्रसादालय चलाई जाती है, जो कि साईं बाबा का जो मंदिर है ठीक उससे 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है, और देख सकते हो सामने श्री साईं प्रसादालय। तो चलिए मैं अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो चलते हैं अंदर, सामने आप देख सकते हो साईं बाबा प्रसाद बना रहे हैं और भक्तगण अंदर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पास, तो आप पहुंच जाएंगे पास काउंटर पे, जो कि फ्री पास है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास लेकर हॉल के अंदर एंट्री करना है। जैसे ही आप हॉल के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी हॉल है, और टेबल के ऊपर जो है वो प्लेट और ग्लास रख दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और जो ये रहा शिरडी बस स्टैंड, कुछ इस तरीके के स्लीपर बस हैं जो कि आप देख सकते हो, एक साइड जो है वो सिंगल सिंगल है और एक साइड जो है वो डबल है,
तो जो कपल्स में आते हैं वो डबल वाले बुक करते हैं, और जो सिंगल है लोग आते हैं हमारे जैसे वो इस साइड में बुक करते हैं। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है बस का, और इसी में जो हमारा सीट है वो ये वाली है क्योंकि हम सिंगल हैं। तो चलिए जर्नी देखते हैं कैसा रहता है।